हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो संगीत में स्वरों की संख्या होती है 7, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के कितने अंग होते हैं। संगीत के कितने अंग होते हैं, 3, 2, 5 या फिर 4। तो देखिए, संगीत के 3 अंग होते हैं। अब पूछिएगा संगीत के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो गायन, वादन और नृत्य, यानी कि डांस जो होता है इसी को कहते हैं संगीत के अंग। गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों क्या है, तो संगीत के अंग है। संगीत के कितने अंग है, तो याद रखना है आप लोगों को, 3 अंग है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख 2 प्रकार कौन से हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है इसके प्रमुख 2 प्रकार कौन है, तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख 2 प्रकार है, यानी कि ऑप्शन हो जाए इसका बी, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबला का संबंध किस प्रकार के संगीत से है। तबला का जो संबंध है यह किस प्रकार के संगीत से है, गायन से, वादन से या फिर नृत्य से। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या देखे थे, कि संगीत के कितने अंग होते हैं, तो संगीत के 3 ही अंग होते हैं। अब तबला जो है इसका संबंध संगीत के किस अंग से है, यह आपको बताना है। तो याद रखना है आप लोगों को, तबला का जो संबंध है वो वादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तबला का संबंध किस प्रकार के संगीत से है, तो वादन से है तबला का संबंध। समझ गए, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के किस तत्व को ताल कहा जाता है। संगीत का वो कौन सा तत्व है जिसको क्या कहा जाता है, तो ताल कहा जाता है। तो लय को क्या कहा जाता है, तो ताल कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे गामा पाधानी सा, कई बार आप लोग ये वर्ड सुन चुके होंगे। तो ये जो वर्ड है सारे गामा पाधानी सा, ये क्या कहलाते हैं, तो ये स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तो स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तक के मध्य स्वर कौन सा है। सप्तक के मध्य में जो है कौन सा स्वर होता है, सा होता है, प होता है, ग होता है या नी होता है। तो सप्तक के मध्य में ना क्या होता है, प होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के कितने प्रकार होते हैं। संगीत के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें क्या था कि संगीत के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। और देखिए, जितना क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद शैली का संबंध किस प्रकार के संगीत से है। ध्रुपद शैली का जो संबंध है या किस प्रकार के संगीत से है, तो याद रखना है कर्नाटक संगीत से है, हिंदुस्तानी संगीत से, या पश्चिमी संगीत से, या लोक संगीत से ध्रुपद शैली का संबंध है। तो ध्रुपद शैली का जो संबंध है ये हिंदुस्तानी संगीत से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्रुपद शैली का जो संबंध है वो हिंदुस्तानी संगीत से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायलिन का जो आविष्कार है ये किस देश में हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायलिन का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इटली देश में वायलिन का आविष्कार हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग इस सब का नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। और इसको लेकर के ना आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। अब बात कर ले कि इस नोट्स या पीडीएफ को आपको लेना कैसे है और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो 8 सब्जेक्ट होता है उसमें आपके कोई 5 ही सब्जेक्ट हो गए। अब 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिंदी तो होगा ही, इंग्लिश भी कई बच्चों का होगा, किसी किसी का उर्दू होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है अधिकतर बच्चों का रहता ही है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आपका सब्जेक्ट म्यूजिक होगा, उसके अलावा आपका हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, यानी कि इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। अब इस 5ों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है, यानी कि जो नोट्स है, वो आप ले सकते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि आपको किस सब्जेक्ट का पीडीएफ या नोट्स मिलेगा। अब इस नोट्स या पीडीएफ में मिलेगा क्या जो आपको पढ़ करके एग्जाम में अच्छा नंबर दिला सकता है, तो देखिए, जैसे अगर हम हिंदी की बात कर ले, क्योंकि हिंदी सबका होता है, तो हिंदी की बात कर ले, इसमें आपको 800 के करीब ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 800 आपको लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन आप जब पढ़िएगा ना, तो लगेगा ये सब तो पढ़े हुए हैं, ठीक है। और इतना अगर कर लेते हैं ना, इसके बाहर आपसे कुछ भी पूछा नहीं नहीं जाएगा, इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। इसमें आप रहेगा क्या क्या, तो देखिए, जैसे हिंदी में गद्य खंड है, काव्य खंड है, तो गद्य खंड में 13 चैप्टर है, काव्य खंड में 13 चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो 13 चैप्टर के चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट बातचीत है, सेकंड उसने कहा था कहानी, इस तरह से चैप्टर वाइज दोनों खंड के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी का फिर सेकंड पीडीएफ है, उसमें आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सौ प्रसंग व्याख्या वाला जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, समझ गए, जितने भी चैप्टर है सबके चैप्टर 1 2 3 ऐसे करके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और थर्ड पीडीएफ की बात करें, जैसे आपको कितना पीडीएफ मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि 2012 से लेकर के 2024 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव इसलिए नहीं ऐड किया, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐड करने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है और उतना आप लोग कर भी नहीं पाते, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर आपको मिलेगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं ना, तो इसी से आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, पिछला साल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव है, ये आपको 2012 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्न आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इतना आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, और एक सब्जेक्ट का तो आपको मिलेगा नहीं, टोटल पांच सब्जेक्ट जो भी हो आपका, आपका पांच सब्जेक्ट, उस पांच सब्जेक्ट का मिलेगा। अब ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आपका म्यूजिक होगा, तो मेन आपका म्यूजिक है, ठीक है ना। म्यूजिक के लिए तो आपको बता दे, ये फिक्स है, गारंटी है कि अगर इतना कर लेते हैं ना, इसके बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे म्यूजिक में आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलेगा 400 प्लस, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा 400 से ज्यादा ही रहेगा, वो 400 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद आपको मिलेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपके एग्जाम में 2 नंबर और 5 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, वो आपको 100 से भी ज्यादा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सबसे मेन खासियत बात जो है इस पीडीएफ की, इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिलेगा। अब जैसे आप गेस्ट पेपर में पढ़ते हैं, किसी बुक में किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या रहता है, बड़ा बड़ा आंसर रहता है, और सबसे मेन बात जो हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है, उसका जो लैंग्वेज रहता है वो थोड़ा किताबी भाषा रहता है, सिंपल लैंग्वेज नहीं रहता है। जबकि एग्जाम में आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं, उसमें क्वेश्चन के ऊपर भी दिया रहता है कि अपनी भाषा में अपने उत्तर को लिखे। तो इसमें जो आपको पीडीएफ में जितने भी प्रश्न मिलेंगे, उसका जो उत्तर है वो सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि एक बार जैसे ही पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आप लोग उसको एग्जाम में बना करके लिख सकते हैं। तो म्यूजिक में आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब मिलेगा। उसका म्यूजिक में जो भी प्रश्न 2013 से लेकर 2024 तक, यानी कि टोटल 11 साल में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, सभी आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इतना सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, और ये सिर्फ आप और सिर्फ आपको 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपए में मिल जाएगा। और कैसे लेना है, किस तरह से पे करना है, वो भी आपको बता देते हैं। और इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी आपका पांच सब्जेक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आप होगा, बता दीजिएगा, उस पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब लेना कैसे, तो वो देखिए, ये नंबर है 7903820891, समझ गए, 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से ओनली 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपए पे करके इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, किसी भी माध्यम से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, पे कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप है, समझ गए, ये जो नंबर है इसी नंबर से व्हाट्सएप है, पे करके 50 रुपीज इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी पांच सब्जेक्ट हो, वो पांचों सब्जेक्ट का मैसेज कर देना। जैसे आपका हिंदी होगा, म्यूजिक होगा, इंग्लिश होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी हो, किसी का पोलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, होम साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका पांच, वो पांच सब्जेक्ट का मैसेज आपको कर देना व्हाट्सएप पे, और पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको पांचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। और इसको करने के बाद आपको कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और कुछ भी इसके अलावा, या बुक हो या कुछ और आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इतना कर लीजिए, आपके लिए इनफ है, समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के कितने प्रकार के राग होते हैं, होगा संगीत में कितने प्रकार के राग होते हैं, तो संगीत में याद रखना है 10 प्रकार के राग होते हैं। जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे म्यूजिक के, उसमें आपको हर एक राग के बारे में बताएंगे, ठीक है, जितने भी राग है, राग बागेश्वरी है, जितने भी है, सबके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राग बागेश्वरी का परिचय लिखे, राग बागेश्वरी के बारे में लिखे, इस तरह से हर एक राग के बारे में पूछा जाएगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना याद रखना है कि संगीत में राग कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध सप्तक में कितने स्वर होते हैं, शुद्ध सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो शुद्ध सप्तक में 7 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर को माध्यम कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर को हम लोग माध्यम कहते हैं, सा को, रे को, ग को या म को, तो याद रखना है हिंदुस्तानी संगीत के म स्वर को हम लोग माध्यम कहते हैं, समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग का निर्माण किन तत्वों से होता है, राग का जो निर्माण होता है ये किन तत्वों से होता है, तो राग का निर्माण जो है स्वर और लय से होता है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, राग का जो निर्माण किया जाता है ये किया जाता है स्वर और लय से, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में
ताल की कितनी मात्राएं होती है? भारतीय संगीत में जो ताल की मात्राएं हैं वो कितनी होती है? 8 होती है, 10 होती है, 16 होती है, या फिर 4 होती है? तो भारतीय संगीत में जो ताल की मात्राएं हैं वो 16 होती है, ठीक है, याद रखिएगा, 16, और 3 ताल में होती है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? भारतीय संगीत का बताना है यहाँ पर, ये याद रखना है कि पाश्चात्य संगीत का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है। तो याद रखना है, वीणा जो है ये भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब क्या, जिसको बजाया जाता है उसी को कहा जाता है। वीणा क्या है? तो भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्वर हमेशा शुद्ध ही रहता है? कौन सा स्वर जो है ये हमेशा शुद्ध ही रहता है? तो सा स्वर जो है ये हमेशा शुद्ध ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? एक और चीज आपको याद रखना है, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर क्या है, भैरव है, और कहीं पर आपको दिख जाएगा भैरवी, भैरवी का अलग होता है, भैरव का अलग होता है, तो दोनों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, और एग्जाम में जैसे ही आप जाएगा ना तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, राग भैरव देखे, भैरव के मतलब समझ जाते हैं भैरवी होगा, बस लगा देते हैं, तो इसी में गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑप्शन चारों को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है, समझ गए। तो क्वेश्चन था, राग भैरव का वादी स्वर ग होता है, म होता है, री होता है, या ध होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तार सप्तक का उच्चतम स्वर कौन सा है? तार सप्तक का सबसे उच्चतम स्वर क्या होता है? तो नी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तार सप्तक का उच्चतम स्वर नी होता है। अगला क्वेश्चन है, तबले में कितने मुख्य घटक होते हैं? तबले में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो तबले में जो है दो मुख्य घटक होते हैं, क्या कौन कौन? तो दायां और बायां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तबला में क्या होता है, दो ही साइड होता है, देखिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसको अच्छे से याद ही रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो नाट्य शास्त्र है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, समझ गए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी का समय कौन सा होता है? यानी कि राग दरबारी जो है इसके गाने का समय क्या होता है? सुबह के समय में गाया जाता है, दोपहर में, शाम में, या रात में? तो राग दरबारी के गाने का समय है रात, रात के समय में राग दरबारी को गाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में किसे स्वर लिपि कहा जाता है? संगीत में ना किसे स्वर लिपि कहा जाता है? तो स्वरों की जो लिखावट होती है, लिखावट, उसको क्या कहा जाता है, संगीत में स्वर लिपि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा राग वर्षा ऋतु से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो कौन सा राग है जो कि वर्षा के ऋतु से, बारिश की जो ऋतु होती है उससे संबंधित है? तो राग मल्हार जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो राग है जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विलंबित ताल में कितनी मात्रा होती है? विलंबित ताल में कितनी मात्रा होती है? तो विलंबित ताल जो है इसमें 12 मात्रा होती है, इसमें मात्राओं की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में प्रयुक्त ख्याल शैली का आरंभ किसने किया था? संगीत में जो प्रयुक्त किया जाता है ख्याल शैली, इस ख्याल शैली का आरंभ यानी कि शुरुआत किसने किया था? तानसेन ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, बड़े गुलाम अली खान ने किए थे, या फिर भीमसेन जोशी किए थे? तो याद रखना है, संगीत में प्रयुक्त होने वाले ख्याल शैली का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो अमीर खुसरो किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में किस वाद्य यंत्र को किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है? भारतीय संगीत में ना किस वाद्य यंत्र को, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको कि किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है? तो सितार को कहा जाता है किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक और चीज याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद देखना है आपको कि भारतीय संगीत पूछा जा रहा है या पाश्चात्य संगीत पूछा जा रहा है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर था भारतीय संगीत, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सितार को किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में मंद्र सप्तक क्या होता है? संगीत में मद्र सप्तक क्या होता है? तो निम्न स्वर का जो समूह होता है उसे कहा जाता है संगीत में मद्र सप्तक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटकी संगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तानी नहीं, कर्नाटकी संगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता है मृदगम। मृदगम जो है ये कर्नाटकी संगीत का प्रसिद्ध एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस समय में गाया जाता है? तो संध्या के समय में, संध्या यानी कि शाम के समय में राग यमन जो है इसके गाने का समय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के कितने मुख्य तत्व माने जाते हैं? संगीत के कितने मुख्य तत्व माने जाते हैं? तो ऊपर एक देख चुके हैं, संगीत के तीन मुख्य तत्व माने जाते हैं, कौन कौन माने जाते हैं? तो ये याद रख रहे हैं, स्वर, ताल और राग। यहाँ पर लिखा होगा कहीं पे, हाँ ये है ना, स्वर, ताल और राग, ये तीन जो है संगीत के मुख्य तत्व है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए थे उसको बहुत ही मेहनत से तैयार किया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन इतना अच्छे से तैयार किया, अगर उसको पढ़ लेते हैं उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। और खास अगर म्यूजिक के लिए तो आपको कुछ भी एक भी शब्द कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना गेस पेपर से, ना क्वेश्चन बैंक से, ना किसी बुक से, या फिर आप किसी टीचर के यहाँ पढ़ रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको किसी और टीचर से भी खासकर कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बस जो आपको नोट्स देंगे उसको पढ़ लीजिए, जो क्लास इस यूट्यूब पर ही करवाएंगे फ्री रहेगा, कोई क्लास कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास करवाएंगे आपके एग्जाम तक। जितना क्लास होगा उस क्लास को बस देखते रहिए, रोज शाम में वीडियो अपलोड होगा उसको अच्छे से देखिए। जो आपको नोट्स देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। और आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्या किए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी आपको दे रहे हैं। तीन पीडीएफ रहेगा सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक का, वैसे तो आपका जितना भी सब्जेक्ट है उस सब सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन म्यूजिक के लिए बता रहे हैं। इस तीनों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है, एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है कि कैसे एग्जाम होगा, क्या लिखेंगे। कई बच्चे क्या होता है, म्यूजिक जो ले तो लेते हैं लेकिन फिर उसको पढ़ने के बाद पता चलता है ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसके लिए भी कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक बार वो नोट्स ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, क्लास जो करवाएंगे वो करिए, और मेरा एक दावा है, गारंटी है, जो कर लीजिए उतना अगर कर लेते हैं, क्लास अच्छे से देख लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, आप सभी प्रश्न को बना के आएंगे ही। ठीक है, और वो आपको पता कब चलेगा, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी सेम यही हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो थे वो टेंशन ले रहे थे क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हम अभी तक म्यूजिक में कुछ नहीं पढ़े, जो नोट्स दिए थे, जो क्लास करवाए थे उसी हिसाब से क्या हुआ था, सारा का सारा क्वेश्चन आया था, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, समझ गए। तो आप भी जितना क्वेश्चन देंगे उस पीडीएफ में उस सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ को लेकर के, समझ गए। और आपको बता ही दिए, पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, कोई कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे मिलेगा, जैसे नॉर्मल पीडीएफ मिलता है उसको डाउनलोड लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका पढ़ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल की शुरुआत किस शब्द से होती है? ताल की जो शुरुआत है ये किस शब्द से होती है? तो शम शब्द से, सम सम ये जो शब्द है इससे ताल की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के किस स्वर को धैवत कहा जाता है? संगीत का वो कौन सा स्वर है जिसको कि धैवत कहा जाता है? तो संगीत का जो ध स्वर है इसको धैवत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में कुल कितने ठाट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और आपको बता दें ये क्वेश्चन कम से कम पिछले 10 साल में ना 12-13 बार पूछा गया। अब पूछ कहिएगा कि 12-13 बार कैसे 10 साल में पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हुआ था, 2 बार ये क्वेश्चन जो था रिपीट कर दिया था, यानी कि एक ही साल में ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया था, और हर एक साल एक या 2 साल के बीच में छूट गया था, नहीं तो हर एक साल ये पूछा ही जाता है। पिछले जो 2013 से और 2024 तक का 11 साल का क्वेश्चन कीजिएगा, उसमें देखिएगा 10 से 12 बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भारतीय संगीत में कुल कितने ठाट होते हैं? तो 10 होते हैं, इसको तो रट लीजिए, फिक्स है कि आएगा ही। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटकी संगीत का मुख्य राग कौन सा है? कर्नाटकी संगीत का मुख्य राग कौन सा होता है? तो राग हंस ध्वनि। राग हंस ध्वनि जो है ये कर्नाटकी संगीत का एक प्रमुख राग है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो पे कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, रोज शाम को क्लास अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, फ्री में रहेगा, कोई कहीं पे क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस जो नोट्स बताएं उस नोट्स को ले लीजिए, क्लास होगा उस क्लास को कीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे और आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खास करके म्यूजिक का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।